हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं इस टाइम फ्रेम पे, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। ठीक है, मतलब कि आप क्या करें इस कनेक्शन के लिए, या तो क्या एक्ट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आपके माइंड में जो पर्सन है, आपके माइंड में जो एक इंसान है वो आपसे क्या चाह रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। और प्लीज, जनरल रीडिंग होती है, कीप एन ओपन माइंड। सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है, ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। एट ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन चाह रहा है फिलहाल आप अपने सेल्फ पे वर्क करें। ठीक है, एक जो स्पिरिचुअल सेल्फ है ना, इस पर्सन का चाहता है कि आप लोग के बीच अगर एक एक न्यू बिगनिंग होनी है तो उसके लिए आपको अपने सेल्फ पे और वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब कि अपना फोकस अपने कैरियर और अपने सेल्फ को बनाएं। ठीक है, सबसे पहले तो ये पर्सन चाहता है अपनी लाइफ पे आप स्ट्रांगली वर्क करें। टेन ऑफ पैंटिकल, यहाँ पे आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ग्रोथ पे हैं, या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ये पर्सन होपफुल है। ठीक है, चाहे आप लोग के बीच दूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली डिटैचमेंट है यहाँ पर। इमोशनली आप लोग एक साथ नहीं है, क्योंकि एक इस पर्सन को आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना है। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं आपको स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करें, मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफर करें, मैरिज और कमिटमेंट, कुछ बैलेंस स्टेबल ऑफर करें। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, आप अपने विजडम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं, अपने डिवाइन से कनेक्टेड हैं आप। ठीक है, आप एक इंट्यूटिव, हायर इंट्यूटिव, हायरली एक हायर एक विजडम वाले पर्सन है। हायर जो एक हायर सेल्फ है ना, वो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की एक एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, विजडम बहुत है आपको, विजडम ऐसे आपको बहुत सारे, जैसे रिलीजियस में आपको डिफरेंस पता होगा, आपको विजडम होगा उन सब चीज़ों का, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ने का एक नॉलेज होगी। आपसे कोई भी किसी भी बात पे बात कर ले, या किसी भी बारे में आपसे पूछ ले, तो आप बहुत अच्छा, चाहे आपके पास डिग्रीज हो या ना हो, एजुकेशन वैसे हो या ना हो, आप एक हाईली इंट्यूटिव और गाइडेड पर्सन है, एक विजडम वाले पर्सन है। ठीक है, जैसे कि एक स्पिरिचुअल सोल, ग्रोथ वाली सोल है आपकी, और इस लाइफ टाइम में आपके आपकी और आपको ग्रोथ मिली है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके ये ग्रोथ आपको मिली है, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा, ये जो ग्रोथ मिली है आपने जो अपने विजडम को वर्क कराए, आपने जो अपने विजडम पे काम कराए, ये देखिए बाय जब हम बाय बर्थ पैदा होते हैं, जब एक बॉर्न एक गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। ठीक है, वो अपना गिफ्ट समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, लेकिन उनको यूज़ नहीं कर पा रहे होते। तो आपने स्ट्रगल देखी है इस जो आपका गिफ्ट है उसको यूज़ करने के लिए। आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने विजडम ओरिएंटेड पर्सन हैं, ये पर्सन इस बात को समझता है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम है। ठीक है, फूल की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को पता है आपका फोकस अपनी सेल्फ और अपनी ज़ात बना हुआ है, और ये पर्सन आपको देख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा एक फेयर पर्सन है, जहाँ पर भी आपका फोकस होता है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, अकेले हैं, साइलेंट हैं, ये पर्सन आपको देख रहा है, एक डीप डाउन एक सोल सर्चिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, अपनी लाइफ में आपने इस कनेक्शन से फोकस हटाया हुआ है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने रिस्क टेकिंग करी है, एक अकेले चलने का फैसला करा है आपने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप एक टॉर्च लेकर चल रहे हैं। आपके पास आपके विजडम की टॉर्च है, आपके पास आपके नॉलेज की, डिवाइन की एक आपके पास एक ब्लेसिंग है, जिसको लेकर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप अकेले हैं, ओल्ड सोल लगते हैं मुझे, जैसे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड टाइप सोल है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जैसे एक मेचोरिटी का लेवल आपका डिफरेंट है और इस पर्सन का डिफरेंट है, आपका स्पिरिचुअल लेवल आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इस पर्सन का डिफरेंट है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सिंसियर और सेंसिबल पर्सन है। एज का कोई मैं नहीं कह रही, ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन से एज 8 10 साल 12 साल छोटी हैं। ठीक है, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी एज नहीं है, एज से कोई मतलब कि मेचोरिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, एज काउंट नहीं करती, जब आप मेच्योर होते हो तो आप कर वो कहते हैं ना, वो बात सिखाने को तो कोई बच्चा भी आपको कुछ सिखा सकता है। ठीक है, कभी कभी वो आपको ऐसी बात बोल जाएगा, आप परेशानी में बैठे हुए होंगे, वो कुछ आपको ऐसा बोल जाएगा, आपको रहेगा जैसे इसको आपको कुछ सॉल्यूशन मिल गया आपकी प्रॉब्लम का। ठीक है, वो ऐसी बात कर जाएगा,
आप बच्चों से कभी भी कम्युनिकेट करेंगे ना, कभी अपनी लाइफ में स्टक हो, प्रॉब्लम में हो, वो सडन आपके पास आएगा, वो ऐसी बात बोलेगा जैसे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उन सब चीज़ों का। आप एकदम एक सडन आप एक शॉकिंग एनर्जी में चले जाएंगे, क्या बोल के चला जाएंगे। और कभी कभी वो डिवाइन की तरफ से भेजी गई चीज़ें होती हैं आपकी तरफ, आपको कोई मैसेज मिल रहा होता है, आपकी तरफ कोई मैसेज आ रहा होता है, ठीक है। तो वही बात है, सिखाने को तो कोई भी सिखा सकता है। आपने बहुत सारा लेसन सिखाया इस पर्सन को, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ सिखाया, इस एक सीधी राह दिखाई है, इसको डार्क एक डार्क सोल से इसके डिटैच करा है। आप इस वक्त अकेले हैं, फोकस है आपका अपने काम पर, अपनी लाइफ पर, आपने रिस्क टेकिंग करी, एक छलांग लगा दी एक बहुत बड़े समंदर में और अकेले लगाइए इस बार, ठीक है। आपका फोकस आपका सेल्फ है, आपको अपने आप को, आप इस वक्त अपने आप को सर्च करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी एक रीयूनियन ऑफ सोल, आपकी सोल आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है और आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कोई स्टेबल ग्राउंडेड अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, न्यू जॉब, न्यू कैरियर, कुछ ना कुछ, कहीं आप कोई मतलब कि आप कहीं अब्रॉड वगैरह जा रहे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक बिग अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट मैनिफेस्टेशन चल रही होंगी यहाँ पर। टेन ऑफ पैंटिकल मनी से रिलेटेड, आप किसी बिजनेस या किसी काम को रिलेटेड बहुत ज्यादा आप इस वक्त फोकस हैं, अपने पैसा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि किसी अर्निंग पे बहुत ज्यादा आपका फोकस है, किसी बिजनेस को आपने इस वक्त स्टार्ट करने का आपके माइंड में, या तो आप बहुत छोटी सी कहीं जगह पे काम कर रहे हो और आपको पता है आप इतना अर्न कर लेंगे अपने आप को। अब मुझे जो एक बात लगी ना, ये पर्सन जो आपको इस वक्त देख रहा है, आप अपने आप को डिटरमाइंड है, अपने आप को आपने स्टेबल और बैलेंस बनाना है, आपको नीड नहीं होनी चाहिए किसी की, ठीक है। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, आपने एक खुद से एक आप डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, आपको अपना फोकस अपनी जात पे लगाना है, अपनी मेहनत आपको अपने काम पे लगानी है, अपने सेल्फ पे लगानी है और अकेले चलना है, ठीक है। चाहे रास्ता डिफिकल्ट जरूर हो, क्योंकि इससे पहले भी आप बहुत मुश्किल रास्ता, उसमें बस ये था कि आप एक स्ट्रेस उठा रहे थे, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे, वो डिफिकल्ट था रास्ता, लेकिन आप एक मेंटली डिप्रेशन और प्रेशर में थे, आप इमोशनली डिटैच नजर आ रहे हैं। आप इस पर्सन को, ये पर्सन आपको इमोशनली डिटैच देख सकता है, क्योंकि आप इतने टाइम तक शायद इस पर्सन को अप्रोच कर लेते थे, या ये पर्सन देख रहा है आप कितने टाइम तक और इस पर्सन से दूर रह सकते हैं, ठीक है। डिटैचमेंट है, आप इमोशनली डिटैच हैं, बिल्कुल एक इमोशनल, जो आपने अपना इमोशनल जो साइट है उसको क्लोज ऑफ कर दिया, आप इमोशनली आप इस पर्सन से अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। ये पर्सन इस चीज़ को समझ सकता है, ये पर्सन जानता है, सिर्फ आप इमोशनली अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक ट्रू लव किया था, तो वो लव कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अपने इमोशंस को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन से एक अपने आप को डिटैच करने की, इमोशनली आप खुद से दूर जाने की, इस सिचुएशन से एक खुद को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा लगा है कि आप जो स्ट्रगल कर रहे थे वो तो रहती है आपकी लाइफ में, लेकिन जो आपने मेंटली स्ट्रगल देखी ना, जो आपने इस पर्सन से डिसेप्टिविटी, जो आपको ट्रस्ट इश्यूज ब्रेक हुए, जो आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ इस पर्सन की वजह से, आपने जो ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था उसकी वजह से आपने, आपको ऐसा लगता है इमोशंस आपकी इसकी वजह है, ठीक है। बहुत बड़ी आपका एक काइंड नेचर है और एक इमोशनल साइट है आपकी, ब्लाइंडली टच आपने ट्रस्ट करा, ब्लाइंडली आपने इस पर्सन को वो वैल्यू वो वर्थ दी, ठीक है। तो एक आपको एक चीज़ समझ में आती है, आपको ऐसा लगता है यार ये जो है ना, जो सब कुछ हो रहा है मेरे इमोशंस की वजह से हो रहा है, मैं ओवर इमोशनल इंसान हूँ, मेरे इमोशंस ओवरफ्लो रहते हैं, मैं अनकंडीशनली लव करने चलता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किसको कर रहा हूँ ये लव, क्या वो इतना ये सब कुछ डिजर्व करता है, मेरा ऐसा नेचर, वो मेरी एक इतनी इतनी रहम दिली डिजर्व करता है, वो मेरा इतना काइंड हार्टेड, मतलब कि मेरा इतना डीप डाउन लव, क्या वो डिजर्व करता है। तो आपको ऐसा लगता है अपने इमोशन से डिटैच होना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है अपने आप को फोकस करो प्रैक्टिकल चीज़ों पे, फाइनेंशियल चीज़ों पे, एक बार मेचोरिटी से चलो, ठीक है। आपने खुद से जैसे कोई ना कोई आपने जैसे रेजोल्यूशन लेते ना, एक नया साल के जब आ रहा होता है, तो आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचा है कि अब मुझे ये करना है, तो आपके पार्टनर आपको फुली फोकस दे रहे हैं, देख रहे हैं अपने सेल्फ पर, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कंप्लीट जोर और शोर से लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि आप कंप्लीटली डिटैच दिख रहे हैं, आप अपनी अपनी ज़िंदगी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पर्सन आपको इमोशनली देख रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं भरपूर आप इमोशनली डिटैच हो जाएं, आप इमोशनली आप अपने इमोशंस को हाइड कर लें इस पर्सन से। आपके पार्टनर जानते हैं आप इमोशनली अपने इमोशंस को हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है।
आप अवेकन हो चुके हैं, आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एक अवेकनिंग वाली एनर्जी, आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फेज कंप्लीट हो चुका है, एक न्यू फेज में आपने एंट्री करी है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड चांस का भी यहाँ पर एक इंडिकेशन बन रही है, क्योंकि जजमेंट एंड द वर्ल्ड, एक न्यू उपास वाली पर्सन के साथ कुछ सेकेंड चांस, एक न्यू सिचुएशन, एक न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, ये यहाँ भी हो सकता है। होपफुल है, मतलब कि एक स्टार हीलिंग चल रही है, हीलिंग का टाइम है। अवेकनिंग के बाद एक हीलिंग हो रही है, एक फेज कंप्लीट होने के बाद एक सेकंड फेज स्टार्ट होगा, लेकिन हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीलिंग चल रही है। विजडम, यहाँ पे विजडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको विजडम बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हील करने के लिए, ठीक है। विजडम आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको काफी बिजी देख पा रहे हैं। बैलेंस, आप बैलेंस होने के लिए, मैंने कहा ना, वही बैलेंस, अपने आप को बैलेंस, आपको इतना विजम समझ में आ चुका है, आपको इतनी नॉलेज, हायर लेवल एक नॉलेज आपको गेन हुई है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर ही पर्सन आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। देखिए, किंग ऑफ फैंस, द डेविल एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप दोनों के बीच एक बहुत ज्यादा एक बॉन्ड है, ठीक है, जो आप दोनों शेयर करते हैं, पैशनेटिव बॉन्ड है, जो बहुत ज्यादा पैशन अट्रैक्शन आप दोनों के बीच डेवलप करता है। एक बहुत अट्रैक्टिव बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे की तरफ, बहुत ज़्यादा एक फायरी अट्रैक्शन है आप दोनों में एक दूसरे के लिए, ठीक है, कनेक्टेड। यहाँ पर कुछ ना कुछ ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ये पर्सन चाह रहा है आप इसकी तरफ कोई ना कोई मूवमेंट करें, एक्शन लें, जैसे आप इसको अप्रोच करते रहते थे, आप इसको अप्रोच करें। ये आपको, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, आपको एक सोल काउंटर पार्ट या सोलमेट की तरह देख पा रहा है, आप बिल्कुल इसी की तरीके के हैं, आप इसी का मिरर हैं, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके का पैशन और जिस तरीके की प्रैक्टिकल एनर्जी आपके अंदर है, जिस तरीके से आपने कैरियर या अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने गोल्स को आप अचीव कर रहे हैं, पर्सन आपको देख रहा है, ठीक है। इसको पता है, इसकी इंट्यूशन कहती है कि आप बहुत दूर तक जाएंगे, आप एक छोटी छोटी सक्सेस को हासिल करने के लिए नहीं बने, आप बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस को अचीव करने के लिए बने हैं। ये पर्सन आपके एक जोश और जज्बे को देख सकता है, क्योंकि जब आप इसके साथ कनेक्ट थे, आपका फोकस बिल्कुल इस पर्सन पे था, आपने एड़ी चोटी का लगा दिया, इस सिचुएशन को आपको विन करना है, और आपने एट दी एंड विन कर लिया, ठीक है। लेकिन आप जीत कर भी हार गए, आप बाजी को, आपने उसको जीत लिया, आप जीत चुके थे, ठीक है। जो भी हुआ उसमें आप साबित हो गए कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, आपका कोई, आपको कोई बिहेवियर गलत नहीं था, आपका कोई इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन आपने उस बाजी को वहीं छोड़ दिया। आपने फिर एक अनकंडीशनल, जो आपने आप जो बिना कुछ लिए लव कर रहे थे ना, एंड में आपने उसका जैसे एक पूरा मुकम्मल जुमला कर दिया, उसको एक रियलिटी बेस आपने एक उसको अनकंडीशनल कर दिया, आपने इस इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया। पहले जिद थी, समझाने का जोश और जज्बा था, एक टाइम आया जिसमें आपको टाइम टू टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चलती रही, एट दी एंड आपको समझ में आया लव तो ऐसी चीज़ है जो किसी से ज़बरदस्ती करवाया नहीं जा सकता, जो लव तो ऐसी चीज़ है कि सामने वाले से उस चीज़ में किसी को, किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो आपको लव करें इन रिटर्न, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वाइस पर्सन की तरह दिखता है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, आपका गोल था इस पर्सन के दिल में जगह बनाना, आप वो जगह बना चुके हैं। अब एट दी एंड यहाँ पर ये पर्सन आपको मिले ना मिले, एक जिसे एक ता हया, जब तक आप इस लाइफ टाइम में रहेंगे, जब तक वो लव कायम रहेगा, आपने ऐसी जगह बना दी है, ठीक है। एक होता है ना छाप छोड़ जाना, आपने एक अपनी छाप छोड़ दी है, आपने एक अपना मकाम, एक अपना, ये पर्सन 10 लोगों को लिया है लेकिन वो चीज़ें आपको कंपेयर नहीं कर पाएंगी, ठीक है। किसी में कुछ मिसिंग होगा तो किसी में कुछ मिसिंग होगा, और आपने यहाँ पर हर तरीके से अपने अपने आप को प्रूव करके सिचुएशन को लेट गो कर दिया है। आपकी कोई इज्जत नहीं नजर आ रही मुझे इस कनेक्शन को पाने की, आपकी कोई मुझे नजर नहीं आ रही, बल्कि मुझे आपके पर्सन पैशनेटिव नजर आ रहे हैं, ऑब्सेसिव नजर आ रहे हैं, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं ये पर्सन मेरी लाइफ में होना चाहिए, ये मेरा पर्सन है। आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पर आप इतना अपनी आप अचीवमेंट में इस पर्सन को भी पार्ट बनाएं, हिस्सा बनाएं। ये जानता है कि ये आपके कैपेबल नहीं है, ये आपके उस लेवल को, जो आपका स्पिरिचुअल लेवल है, जो आपका एक काइंडनेस का जो लेवल है, जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है, जो आप जिस लेवल पे आपने आके इस पर्सन को लव करा, ये उस लेवल को छू भी नहीं पाएगा, ये जानता है, ठीक है। लेकिन इसको ये पता है कि आपने इसको लव करा, या आप ये पर्सन ये चाहता है कि आप इसको वापस अप्रोच करें, आप जैसे पहले करते थे, आप इसकी लाइफ से ना जाएं, ठीक है। मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है, आपकी कोई पिक्चर है या कोई डीपी है या कोई आपके वॉइस नोट है या कोई आपकी मेमोरीज हैं, आपके कोई गिफ्ट्स हैं जो आपने इसको दिए, इसके लिए रिकॉल करने का आपको वो तरीका है, ठीक है। ये आपको याद करता है उन चीज़ों को देख कर, उन चीज़ों को सोच कर, बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सन, आप ये बहुत आपको, आपके लिए पैशन
स्ट्रॉन्ग पैशन इसके अंदर इग्नाइट हो रहा है आपके लिए, मतलब कि एक ये सोच आ रही है कि आप मेरे हैं, आपको मेरी लाइफ में होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं। ये एक बहुत जेंटल और काइंड लव तो है ही, लेकिन एक आपको पाने की वो जो अर्ज है ना वो इसके अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे हैं। पास्ट में आप नीडी थे, तभी कहते हैं बैलेंस हो जाना चाहिए। जो नीडी इंसान होता है ना उसकी तरफ कोई भी जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। आप उसको इतना देते हो जितना आपकी जेब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे चिल्लर थोड़े से जो होते हैं हमारे पास पॉइंट्स वगैरह होते हैं, हम क्या करते हैं नीडी लोगों को वो दे देते हैं। तो एक नीडी बनोगे तो वही मिलेगा जो नीडी लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तभी कहते हैं बैलेंस हो जाओ, तभी कहते हैं वेट ना करो, तभी कहते हैं कि बैट का दरवाज़ा ना तकते रहो कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स गो, फ्री हो जाओ, ठीक है। नेगेटिव था, नेगेटिव किया, डिफरेंट था, टॉक्सिक था, किया जो करना था उसने किया, लेकिन आप फ्री हो जाओ। आपको फ्री होना लाजिम है इस लव को पाने के लिए, इससे बिल्कुल एक जैसे विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट विदाउट यहाँ पर मांगे, विदाउट किसी चीज़ को यहाँ पर कहे कुछ इस पर्सन से लिए फ्री हो जाओ, ठीक है। लव किया है ना, अनकंडीशनल किया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है, ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी दिया है, टाइम भी दिया है, अपने इमोशंस भी दिए हैं, मेंटल पीस भी दिया है, तो फ्री हो जाओ, नीडी ना बनो, ठीक है। इस बात को माइंड में रखिएगा, आप लोग जितना नीडी वेटिंग एनर्जी में ना रहें, अपनी ग्रोथ पे काम करें। पास में बहुत ज़्यादा बर्डन थे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशनली आप इधर कनेक्टेड थे, कन्फ्यूज थे, ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपको जस्टिस चाहिए था इस पर्सन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने पास में इंतजार करा, एग्रेशन था, एग्रेसिव थे आप, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ऐसा करता क्यों है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, मैरिज मटेरियल देख रहा है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है इस टाइम फ्रेम पे, कमिटमेंट, मैरिज, शादी, आपको अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन का एक होम है, ठीक है, एक शेल्टर है, आप इसके सुकून का हिस्सा है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं लेकिन कोई इसको समझने वाला नहीं है, इसको आप चाहिए क्योंकि आपने इसको समझा था, ठीक है। बहुत सारे ऑफर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसकी लाइफ में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसको अप्रोच करते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी है, कम्युनिकेट करना चाहता है, मैसेज रिसीव करना चाहता है, किसी तरीके की मैसेज, बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ हुआ है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इमोशंस, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की किंग ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन आपको इमोशनली और एक पैशनेट, जो आपके अंदर एक जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आती है ना पैशन को लेकर, डिटर्मिनेशन को लेकर, ये आपको हर तरीके से अपना एक अपना अदर हाफ की तरह देखता है, अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह देखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, आपके लिए कितना प्यार करता है, आपके लिए कितने इमोशंस डेवलप है इसके अंदर, उन सबके लिए क्लियरिटी है। ये बैलेंस लेकर आना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। इस पर्सन को पता है कि इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच रहा, लेकिन एक टाइम बदल चुका है, ठीक है। पास में बहुत ज़्यादा एक कोल्ड पर्सन की तरह ये एक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव पर्सन की तरह स्टॉकिंग चल रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे साइकिल को रिपीट करना चाह रहा है, कोई स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है, एक स्टॉकिंग एनर्जी है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, लेकिन इस पर्सन को क्यों लग रहा है ये बहुत मुश्किल है आपकी तरफ मूवमेंट करना, आपकी तरफ एक्शन लेना, मतलब कि शायद अब आप नहीं मानेंगे। पहले आप पास्ट में आप एक दूसरे लेवल पे थे, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, कुछ कहते नहीं थे, आप चीज़ों को बस ठीक करना चाहते थे, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लगता है किसी ये कहीं भी किसी करीबी इंसान से भी डिस्कस करता है तो बोल शायद इसको अब लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया ये रिलेशनशिप, अब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो पहले पास्ट में हो चुकी हैं, वो बैलेंस नहीं आ सकेगा। ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके पार्टनर आपसे इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन चाह रहा है कि आप इस साइकिल को रिपीट, मतलब कि एक मैसेज करें, जैसे पास में आप करते आए, ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन समय आपकी तरफ मूवमेंट करना, किसी तरीके का एक्शन लेना, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है अपने आप को, ठीक है। ये इसको इल्यूजन्स में, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में घिरा हुआ है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील कर रहा है इस वक्त, ठीक है। इतना होप, इतने ये आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, या आपकी लाइफ को चेंज होता हुआ देख रहा है, जैसे एक व्हील चेंज हो चुका हो, जहाँ पहले आप थे ये वहाँ चला गया, और जहाँ पहले ये खुद था वहाँ आप आ गए, कुछ इस टाइप की एनर्जी होगी, व्हील ही बिल्कुल चेंज हो गई, ये कन्फ्यूज, इसको नहीं पता, इसको पता है लक आपकी साइड है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है।
आपको मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको समझ नहीं आ रहा, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपनी तरफ से इनिशिएट ले लें, अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन सम है, क्योंकि इसको लगता है कि शायद आप पास्ट की तरह इतने इतने सॉफ्ट नहीं रहे, अब जो है ना, मतलब कि रिसीव नहीं करेंगे इसकी कोई भी अपॉलॉजी या कोई भी नेगेटिव या किसी भी वे में ही आपके पास आएगा और आप एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी एक्सक्यूज़ दे देगा पास्ट की तरह, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। इसको पता है कि अब आप बहुत आप मेच्योर हो चुके हैं, बहुत आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है, अब आप एक ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने वाले इंसान रहे, ठीक है। जो पास्ट में हो चुका है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, इसको इल्यूजन से इसको नहीं पता कि आप इसका हार्ट ब्रेक करेंगे, मतलब कि ये चाहता है, ये दिल से चाहता है साइकिल को रिपीट करें, आपके साथ दोबारा इस व्हील को टर्न करें और आपके साथ चीज़ें बैलेंस करें, लेकिन इसके लिए मुश्किल है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना और आपको एक मैसेज और टेक्स्ट करना, क्योंकि एक इमोशनल लॉस आ चुका है, ये पर्सन मतलब कि अभी भी कोई होप बाकी है, इस चीज़ को नहीं देख पा रहा, बस इसी उसमें कि एक न्यू स्टार्ट तो करनी है लेकिन कुछ कम्प्लीट हो चुका है, जब तक इसको एहसास हुआ इस रिश्ते में कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू मतलब कि विजडम जो गेन हुआ है इस पर्सन को, पता चला कि यहाँ पर कुछ हो सकता था, ये ऐसा करेक्शन था, हेरोफेंट की एनर्जी है, किसी के विजडम से समझ में, किसी से इसने कुछ डिस्कस करा है या वहाँ से कुछ पता चला है, इसको कुछ किसी के डिस्कशन से इसको कुछ ना कुछ पता चला है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं से कुछ समझ में आया है। तो यहाँ पे एक 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 नया एक ऑफर, ठीक है, एक ऑफर मुझे ये लग रहा है कि पर्सन कोई ऑफर आपको यहाँ पर मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ ये अपने आप को, क्योंकि ये इतनी स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहा, अपने अपनी इतनी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आना और अपने इमोशंस को आपको देना, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को, एस ऑफ सोच की एनर्जी है, बहुत क्लियर कट इस पर्सन को, इसका विजन, इसका थॉट सब क्लियर हो चुका है, ठीक है, माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है इस पर्सन का कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखिए कितना कितना कंफ्यूज, इसको नहीं लग रहा कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन हो गई आपसे, आप इसको नहीं समझेंगे, ये इतना मतलब कि इतना स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहा, इसको नहीं लग रहा कि अगर ये आपसे कम्युनिकेट करता है तो आप इसको समझ पाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट जोन में जा चुके हैं, बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, सेकंड चांस चाहता है, ठीक है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन को कनेक्ट करें, आप इस पर्सन को कांटेक्ट करें, आप इस पर्सन को मैसेज करें, मिसिंग एनर्जी है आप लोग को, ये पर्सन आपने इस पर्सन के साथ बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करी हैं, ये उन मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है, देखें आपको कोल्ड दिख रहा है, इसको लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप बहुत बैलेंस हो चुके हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आप पास्ट वाले इंसान नहीं रहे, अब आप इससे अपने इमोशंस तक हाइड कर रहे हो, तो आप क्या मतलब क्या आपको ट्रिगर करना ज़रूरी है, अगर यहाँ पर इस पर्सन को आपसे इमोशंस यहाँ पर चाहिए तो इसको एक तो पहले हिम्मत चाहिए बात करने के लिए, फिर अगर आप यहाँ पर अपने इमोशंस यहाँ पर इमोशनली अब अगर आप ओपन अप होते हैं तो उसके लिए इस पर्सन को लगता है कि आपको ट्रिगर करना ज़रूरी है, यहाँ पे कुछ ट्रिगर होगा तो आप अपने इमोशंस को आप मतलब कि रिलीज करेंगे अपने अंदर से, आपने होल्ड कर लिया, आपने ब्लॉक कर लिए, ये बात समझ रहा, आपने अपने इमोशंस से मुंह मोड़ लिया है, आपको आपको लगता है इमोशनली वल्नरेबल होना तकलीफ देता है, ठीक है, पेन देता है, खासतौर पर पर्सन के सामने आपने बहुत बार इस पर्सन को ऑफर दिया है, तो ये पर्सन आपको देख रहा है कि आपने बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ये पर्सन कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है, ये आपकी एक इमोशनल साइड को देखिए कितना मिस कर रहा है, ये एक एम्परर की तरह ट्रीट करता था आपको और आप इधर एक इमोशनल एक मदर एक मतलब के एक लाइक अ मदर जैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं, एम्परर को आपने ऐसे ट्रीट करा है कि जैसे एक बच्चा, छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा है आपने, पता नहीं क्या चाहिए होगा आप इसको, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, ये पर्सन आपका एक काउंटर पार्ट है, ये अपने एम्परर साइड को डिजॉल्व करना चाहता है आपके इमोशंस के लिए, लेकिन ये क्रेव कर रहा है कि आप एक बार इमोशनली ओपन अप हो जाए इसके साथ, ये एक बार अपने इमोशंस को आप इसके सामने रख दें, एक बार आप खुलकर अपने इमोशंस के बारे में बात कर लें, ये चाहता है कि आपके इमोशंस को हील करें, यहाँ पर इसने आपके इमोशंस को डैमेज कर दिया, ये जानता है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसी की वजह से हुआ, आपने बहुत स्लीपलेस नाइट देखी है, बहुत स्ट्रेस देखा है, ठीक है, आपने अपने इन सब चीज़ों पे बहुत मेहनत करी है, अपनी जो एक डार्क साइड के ऊपर आपने अपने आप को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है अपने ऊपर इतना काम करना, ठीक है, अपनी सक्सेस को वैल्यू कर रहे हैं, अपनी सक्सेस को वैल्यू और वर्थ दे रहे हैं, ये आपको विश कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में वापस रिटर्न करें, ठीक है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन ये इस विश को कैसे कम ट्रू करें इसको नहीं पता, ये विश कैसे क्लियर कट इसकी लाइफ में आएगी, ठीक है,
ये विश कैसे ये पर्सन अपनी जिंदगी में इस विश को ये वापस कैसे जी सकेगा। हाँ हाँ आपकी पर्सन इमोशनली, ये पर्सन आप यहाँ पर इमोशनली हील हो जाते, तो ये पर्सन भी आपके साथ इमोशनली बात करना चाहता है, मतलब कि इमोशनली ओपन अप होना चाहता है। आपने अपनी इमोशनल साइड इससे हाइड कर ली, आप अपने इमोशंस को इससे हाइड कर रहे हैं, इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है आप इमोशनली यहाँ पर ओपन अप नहीं होना चाह रहे, या इमोशनली इसको कुछ कुछ किसी भी वे में आप इसको अपनी एनर्जी फील में नहीं आने देना चाह रहे, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके इसीलिए आपकी तरफ से इसीलिए हील होने का, चीजों को समझने का वेट कर रहा है, लेकिन इसको लग रहा है आप कब तक बात नहीं करेंगे, कब तक आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, कब तक आप ऐसे साइलेंट रहेंगे। अच्छी देखते हैं इस टाइम फ्रेम पे अगर ये हैंड रिटन मैसेजेस में आपको कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेगा ये पर्सन। लेट्स सी, ये वाले लेंगे, ठीक है। बिगेस्ट विश, ये किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। कुछ इसकी विश है कि यहाँ पर चीजें बैलेंस हो जाएं। वॉन्ट टू हियर यू, मैंने कहा ना ये पर्सन आपकी तरफ से कोई मैसेज और टेक्स्ट चाह रहा है, ये पर्सन आपकी आवाज सुनना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। लाइफ गोल्स, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ गोल्स पे, अपनी लाइफ की चीजों पे आप बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं। डिसीजन, इमेच्योर, बहुत इमेच्योर रहा है ये पर्सन, आपको लगता है बहुत सी इमेच्योरिटी है, आपने बहुत ज़्यादा शायद आप एज में कम है, इससे आपने इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मेच्योरली डील करा। अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ना आप एक मदर की तरह इसको अंडरस्टैंड करते हैं, पास्ट में हमेशा इसके गलत सही को समझते हैं, जबकि आप इतने गलत नहीं थे। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस पर्सन के दिल में रहते हैं। बी पॉजिटिव, ये पर्सन चाहता है आप प्लीज पॉजिटिव हो जाएं, आप हील हो जाएं, आपकी जो इमोशनल साइड है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स, इसको लगता है कि आप बहुत ज्यादा अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए, अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेस करने में लगे हुए। लाइफ लेसन्स, फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, आपने बहुत से लाइफ लेसन्स इधर से लर्न करे हैं। लर्निंग सोल पाथ, ठीक है। लाइटनिंग सोल, एक आपकी सोल की एक लाइटनिंग हुई है, सोल एनलाइटमेंट हुई है। बैलेंस, आपने अपनी जिंदगी में बैलेंस अचीव करा है इस कनेक्शन की वजह से, ठीक है। आई वॉन्ट क्लैरिटी, ये आपकी एनर्जी, आप किसी तरीके का ब्लंट क्लियर कट ट्रुथ चाहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बिगनिंग्स, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने सेल्फ पे आप बिलीव कर रहे हैं। न्यू लाइफ एंड सेल्फ लव, स्टैंड योर ग्राउंड, आपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे अलाउ योर हार्ट एंड सोल द साइंस विद जॉय, ठीक है। अलाउ करें अपने हार्ट को, इतना ब्लॉक मत रहें आप, थोड़ा सा आप इस पर्सन की तरफ से इसको ऐसे कोई चांस नहीं देना चाहते, आप इस पर्सन की तरफ से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, ब्लंटली आप ट्रुथ चाहते हैं। आई वॉन्ट क्लैरिटी, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो निकली है, ये पर्सन आपके उस चीज को समझ नहीं रहा कि इसको डर लग रहा है अपनी अपने आप को दोबारा, जैसे आप ओपन अप करने में इस पर्सन को थोड़ा सा थोड़ी सी घबराहट हो रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर यहाँ पर ये पर्सन ओपन अप हो गया तो यहाँ पर आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एम्परर यहाँ पर इसने एक अपनी एक ऐसी साइड रख दी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। न्यू लव लाइफ, एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपके लिए फील करता है, लेकिन आई वॉन्ट क्लैरिटी, आप किसी तरीके की ब्लंट ट्रुथ क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं, क्या चाहते क्या हो इस रिश्ते से आप, ठीक है। हो क्या सकता है ये बताओ, करना क्या है ये बताओ, ठीक है। आप इस तरीके से बात करना चाहते हैं, अब सारा ट्रुथ तुम्हारे सामने है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी हैं, अब करना क्या है इस रिश्ते का। आप आज भी लव करते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप इससे ज्यादा अपने आप को आप इंसल्ट करवाएं, अपने अपने आप को आप इससे ज्यादा आप मतलब कि ये पर्सन आपको रिजेक्शन रिजेक्टेड फील कराए, अब आप नहीं चाहते। सारा ट्रुथ सामने है, सारा सच सामने है, अब जो भी यहाँ पर चाहिए आप चाहते हैं पर्सन आपसे आपके सामने आके क्लियर कट बताए, अब इसकी बारी है एक क्लियर कट, एक सच्चाई सामने रखने की आपकी, ठीक है। मतलब कि एक बिना डरे बिना
बिना किसी खौफ के इस पर्सन को बोलना चाहिए आपके सामने, आपको ऐसा लगता है, ठीक है? इसको अपनी लाइफ का होल ट्रुथ रखना चाहिए, अगर वनरेबल होना है तो वनरेबल होना चाहिए, अब ये टाइम है। अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं, और कुछ टाइम यहाँ पर डिस्टेंस रहा, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग कंप्लीटली लाइफ टाइम के लिए डिसकनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप लोग का कनेक्ट होना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप लोग का एक साथ आना शायद और भी ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक हो जाए, क्योंकि आप लोग की लाइफ आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं मूवमेंट कर जाएंगे, आपकी फैमिली करवा देगी या मूव ऑन हो जाएंगे, आप लोग शादी कर लेंगे या मैरिज हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे। पर्सन जानता है कि जो आपकी फैमिली किस माइंड की, या तो आप किस किस फैमिली, मतलब कि किस तरीके के आप फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी फैमिली रिलेटेड, क्योंकि इस पर्सन के पास आपकी लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? मतलब कि आप कैसे, आपकी कैसी फैमिली है, आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे लोग होते हैं, तो एवरीथिंग, ठीक है? इसको पता है, हर चीज़ पता है आपकी लाइफ की, लेकिन आप नहीं जानते हो कि आप इससे, आई वॉन्ट क्लैरिटी, ये आपकी तरफ से है, ठीक है? आप इससे एक क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं, चाहते क्या हो अब मुझसे, ठीक है? अब करना क्या है यहाँ पर, क्या डिमांड है? सब कुछ हो गया, स्ट्रगल कर ली, सब कुछ कर लिया, अब बताओ अब क्या चाहिए, ठीक है? ये वो वाला, आप यहाँ पर इसलिए इसका वेट कर रहे हैं, इसकी कि आप अब इससे पूछना चाहेंगे कि एक आउटकम क्या है, ठीक है? इतना स्ट्रगल करने के बाद क्या अब यहाँ पर करना क्या है, तो ये वो वाली एनर्जी, और ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप विश, ये विश कर रहा है कि आप यहाँ पर मैसेज कर लें, एक हिंट दे दें, कनेक्ट कर लें, कुछ तो आप यहाँ पर कर लें, ब्लॉकेजेस रिमूव करें, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो, ठीक है? अगर इसने ब्लॉक किया हुआ है तो ये ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाह रहा है, लेकिन कुछ ये समझ में, ये समझ पा रहा है कि आप थोड़े से ब्लंट हुए हैं, ठीक है? आपसे कुछ भी सुनने को मिल सकता है, तो ये माइंड प्रिपेयर कर कर आए, फाइट भी हो सकती है, आप लोगों की आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट हो तो आगे पीछे की बातें और निकल कर आ जाएं, तो ये चाह रहा है कि आप करेंगे तो शायद आप इतने थोड़े से कूल एंड काम एक कन्वर्जेशन हो सकती है, क्योंकि आप फिर बनाना चाहेंगे, ये आएगा तो ऐसा हो सकता है और मैस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसने पास में बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, ठीक है? जब आप सॉफ्ट थे, काइंड हार्टेड थे, आप इसके साथ बनाना चाह रहे थे, तब आपने बहुत कुछ इस पर्सन की हर एक आदत, हर चीज़ बेयर करी है आपने, ठीक है? हर इसका बिहेवियर बेयर करा है, हर सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश में आपने हर नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर चले आप इसकी, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।